आपके सामने मैं फिर लेकर आया हूँ आपका वैद्युत आवेश क्षेत्र का जो न्यूमेरिकल है। मैंने बोला उसमें कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं क्रम बाई क्रम हर गए। पार्ट वन पढ़ चुका है, पार्ट टू शायद याद नहीं है, पार्ट टू है आज। तो आज इसमें फिर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तीन या चार न्यूमेरिकल लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल हल करना कुछ टाइम लेता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा ना हो। मैं दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ, चार न्यूमेरिकल अधिक से अधिक, तीन न्यूमेरिकल कम से कम लेकर आता हूँ। और उन न्यूमेरिकल को आप फिर से दोबारा हल करिएगा और उसी तरीके से न्यूमेरिकल आप बनाइएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ ताकि आपको धीरे धीरे उसका रिवाइज भी करता जाए और आप एक्सरसाइज को आगे अपने आप से बनाते भी जाएँ। इसलिए मैं थोड़े थोड़े लेकर आता हूँ। अगर मैं इसका एक घंटे का वीडियो बना दूंगा तो कोई देखेगा भी नहीं और बोरिंग भी लगेगा। एक घंटे का वीडियो मैराथन क्लास में लेकर आऊँगा, पर एक बार पूरा हो जाए सभी पाठ तो मैं एक एक पाठ का एक एक मैराथन लेकर आऊँगा, ये पक्का जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आज हम बताएंगे आपका फिजिक्स का क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है, आपका फिजिक्स क्या, फिजिक्स का वैद्युत आवेश, तथा क्षेत्र। ठीक है, इसका आपका टोटल आंकिक प्रश्न इम्पॉर्टेंट वाले, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट टू है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लगाऊंगा जैसे हमेशा की तरह रहता है। वैसे मैं पूरी व्यवस्था, लैपटॉप भी ठीक से चल है नहीं चल मतलब ख़राब हो गया। अगर वो होता ना मैं तो आपको सामने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा के समझाता और हमें भी वो दिखता कि हम क्या आखिर कर रहे हैं। पर हमको क्वेश्चन यहाँ लगा देंगे, आपको दिखेगा हमें नहीं दिखेगा, लेकिन मैं उसको एडिटिंग करने के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल लगाऊंगा, क्वेश्चन मैं अपनी बुक से यहाँ पर पढ़ता हूँ जो कि आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। मतलब दो बड़ी पतली धातु की प्लेट हैं एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं, एक दूसरे के निकट भी हैं और समांतर भी हैं। अच्छा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, समांतर प्लेट हैं, नज़दीक भी हैं। और प्लेटों के विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिणाम आपका कितना है, 17.7 × 10²⁰ (22 है। ठीक है, और प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पृष्ठ घनत्व जो है इसको हम देखेंगे, पृष्ठ घनत्व हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चीज़ें दिया गया है क्वेश्चन में, देखते हैं सवाल में तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। 17.7 × 10²⁰ देखिए वही मिल रहा है, कोई अंक मिल रहा है वही मिल रहा है ना। तो इसको सोचिए कि आखिर ये क्या है, जो 17 पॉइंट, ये क्या है, पृष्ठ घनत्व है, क्या है, पृष्ठ घनत्व है। और पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मान हमारा 17.7 और 10²⁰ × 10²⁰ इतना दिया गया है। ठीक है, और सेंटीमीटर आपका माइनस स्क्वायर ये सब तो है ही, उसको आप नहीं लिख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ नहीं दिया गया, प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत की क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर हम वैद्युत, अब देखिए कुछ दिया नहीं गया है और हमें निकालना क्या, पहले उस पर तो नज़र भी डालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें सोचिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है E बराबर आपका सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, ये होता है। तो सोचिए कि ई सिग्मा का मान तो हमें मिल रहा है, एप्साइलन नॉट का मान नहीं पता। एप्साइलन नॉट का मान आपका पेपर में दिया जाएगा, नहीं दिया जाता तो आप याद कर लेंगे अभी सामने। ठीक है, तो देखिए सिग्मा का मान तो हमारा यहाँ पर दिया गया 17.77 × 10²⁰ अपान एप्साइलन नॉट का मान जो होता है 8.85 × 10²⁰ ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका एप्साइलन नॉट का मान हो जाएगा 8.85 × 10²⁰ ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आएगा आखिर में आंसर वो इस तरीके से आएगा, 0.1 अंक पर 0.2 अंक पर, 1 अंक 0.1 इसमें मतलब यहाँ इसके विपरीत में 10 का गुणा और इसमें 2 अंक 0.2 इसमें विपरीत का
10 का गुणा। ये रूल आपने बहुत सीखा होगा, ये रूल आपने बहुत सीखा होगा कि जिसमें दशमलव लगता है उसके विपरीत में आप उतने 10 का 20 10 का 100 का 1000 का गुणा कर देते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपके लिए एक रूल खोजा है और इस तरीके की कैलकुलेशन की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, यूट्यूब पर अगर डालेंगे कैलकुलेशन की तो इसको काटने वाली आपके पास, मैंने बोला था कि इसको कसन वीडियो आपको अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आएगा, पक्का आएगा। अगर आप आंखें प्रश्न के बीच के सवालों को कैलकुलेशन हल करने का वीडियो देखेंगे ना तो मेरी वीडियो इतनी वीडियो रैंक करेगी, आपको इतनी वीडियो मिलेगी। अगर एक वीडियो मेरी देख लेंगे तो आपको उस तरह की आपके नंबर बाई नंबर आपको वीडियो मिलती है, क्योंकि मेरे चैनल पर जितनी वीडियो आंकड़े प्रश्न कैलकुलेशन की है ना पूरे यूट्यूब पर नहीं है, ये देख लेना आप खुद, डिस्क्रिप्शन में बोला लिंक है, देख सकते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट, मैं वो ट्रिक बताता हूँ, वो विधि बताता हूँ, मैंने बताया भी है कि आपको 10 की और 100 की गुणा ना करिए, आप गुणा मत करिए, क्या करिए जितने अंक पे दशमलव हो, जितने अंक पे दशमलव हो उसके विपरीत मतलब उसके उल्टा तरफ माइनस की उतने अंक पावर कर दो, मतलब उतने माइनस पावर को उतने अंक कम कर दो। जैसे यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर हम 2 अंक को 2 घात कम कर देंगे, मतलब यहाँ पर 20 कर देंगे। यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ पर 11 कर देंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसे दशमलव हटाया, मैंने दशमलव को हटा दिया और यहाँ पर हम 10 घात इसको भी दशमलव हटा के पहले लिख दिया, देखिए दशमलव पहले हटा के लिख देता हूँ, देखिए ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस। अच्छा बताइए यहाँ पर 22 घात है, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, जब 2 अंक पर 2 दशमलव इसमें से कटेगा 2 अंक तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर 1 अंक दशमलव कट जाएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से क्या आपको समझ में आ सकता है, ऐसे कर सकते हैं ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव हमने हटाया, अब 177 और 885 इसका जो डिवीजन है आपके लिए बहुत कठिन पड़ेगा, इसके लिए बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको इसे कैसे लाना है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले ऊपर ले जाके कम कर देता हूँ, जैसे देखिए 177/8885 और 10 की घात को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं -20 और ये माइनस में है तो ये +11 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर चिन्ह अपना चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ एकदम ईजी तरीके से, 17 डिफ़िकल्ट तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि इजी हुई होगा। 10 की घात यहाँ पर 20 में से अगर 11 जाता है तो आपको पता है कि -9 बचेगा, कितना बचेगा -9 बचेगा ठीक है। तो -9 आपका यहाँ पर बचने वाला है, इस तरीके से आप -9 बचा सकते हैं, आप खुद सोचिए ओके। तो दिक्कत किसी, कोई दिक्कत नहीं, इससे लगभग किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी को कैलकुलेट करने की, देखिए अगर हम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेटर द्वारा करते हैं मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 है 5 के पहाड़ा में 7 तो नहीं आएगा तो हम लोग लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी कंडीशन देखते हुए हमारा इसमें आपका पूरा कटेगा नहीं, तो कम से कम अब ये देखिए अगर मैं मान के सोचिए कि यहाँ पर अगर मैं दशमलव मान के चलता, मतलब दशमलव सॉरी यहाँ पर इसको मैं 800 मानता और इसको मैं अगर 1600 मानता तो 800 दूना 1600 तो 2 के करीब है, कितने के करीब है, 2 के करीब है, ये आपका 2 के करीब है। और 2 के करीब है तो आपको अगर हम डायरेक्ट हल करते हैं तो आपको कुछ उस तरीके से आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसका कैलकुलेटर करके दिखाते हैं तो कैलकुलेटर में जो इसका मान आएगा वो मान आएगा आपका देखिए कितना है 177 और भाग इसका करेंगे हम 885 तो हमारा आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा ठीक है, 0.2 आ जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, 0.2 है एक अंक यहाँ पर आपका इतना आएगा 9, तो 9 का पावर हमें अगर दशमलव इधर ले जाना है एक अंक तो इसमें का माइनस पावर है, और प्लस पावर होता तो क्या होता घटता, लेकिन माइनस पावर है तो इसका मतलब इधर जाएगा, तो इधर जाने का मतलब इसमें 10 से गुणा करेंगे और 10 से गुणा करेंगे नीचे भी होगा, नीचे वाला ऊपर मतलब बढ़ेगा, 2.10^-10 आएगा ठीक है। आंसर में आपका 9-9 है, लेकिन यहाँ पर ये सारे दशमलव को हम कैलकुलेट करने में ये ख़त्म हो गया था, आंसर में आपका 9 लिखा गया, लेकिन हमारी समस्या गलत होता है। आप अपनी समस्या बताइए कि यहाँ पर -9 पावर होगा पूरा कैलकुलेट करने से कि दूसरा होगा, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये दशमलव यहाँ आ गया है तो इसको आप 0 लगा सकते हैं झूठ के वैसे ही ठीक है।
दूसरा तरीका ये होता कि आप इसको कैसे करते, यहाँ पर आपको पता है कि इसको हम अगर 900 मान के चलते, यहाँ आंसर आएगा ये। चलिए अगली सवाल लगाते हैं, टाइम ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लगाता हूँ। देखिए, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये चीज़ तो आपको नॉर्मल वही है कि इसमें आप ऐसे बैलूज को रख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको बैलूज को ऐसे ही रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भार W बराबर आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका वैद्युत बल लिखना पड़ेगा। तो इसमें कोई चीज़ दिया नहीं गया है सवाल में, इसलिए आप इसको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगली सवाल हम लगा देते हैं, सीधी सीधी बात है, इसको नहीं लगाएंगे। अगला सवाल पर अगर हम चलते हैं, तो हमारा अगला सवाल है क्या कि एक अनंत रेखी आवेश 2.m की दूरी, रेखी आवेश जो है आपकी उसकी 2.0m की दूरी, 2.0 की दूरी है, ठीक है, रेखी आवेश की। अच्छा ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपका रेखी आवेश मतलब लिख देते हैं, रेखी आवेश सबसे पहले चर्चा की गई है, रेखी आवेश, ठीक है। रेखी आवेश को हम क्या कहेंगे, लैम्डा, आपको पता है ये लैम्डा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, रेखी आवेश घनत्व है, रेखी आवेश घनत्व है, ये तो घनत्व ही है, तुम लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, रेखी आवेश घनत्व, तो रेखी आवेश घनत्व, तो रेखी आवेश जो है हमारा चलते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमें जो है, देखिए सबसे पहला नंबर तो हम देखते हैं कि सूत्र के हिसाब से ई बराबर हमारा क्या होता है, 1/2π0, ठीक, 2π0 लैम्डा अपान आर, ये होता है। इसमें अगर हम देखते हैं कि आपका जब पक्षांतर वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, तो ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं नीचे अंश में, तो ऊपर भी हर में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 1/2 π0 2 लैम्डा, मतलब अंश और हर में 2 से गुणा हो गया, अंश और हर में 2 से गुणा हो गया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो इसमें दूरी बोली जा रही है, मतलब आर जो बोला जा रहा है, दूरी कितना है, 2.0 ऐसा है कुछ क्वेश्चन में, तो ये अभी रख देंगे, हमारा ये बना सवाल। अब इसमें अगर हम रखेंगे मान को, तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर 4 इतना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर, ये सूत्र है, तो ई का मान हमारा है 4.5 × 10^9, मतलब 4 और बराबर 9 × 10^9, ये मान किसका है, इसका मान है, याद रखना, इसका मान 1/4π0 का मान है आपका 9 × 10^9, ये आपका मान है, और ये इतना मान इसका हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर 2λ/r का मान हमारा है 2.0, ठीक है, ये है। अब इसको हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर 2λ हम इसको छोड़ देते हैं समझने के लिए, ये ऊपर है नीचे जाएगा, नीचे है ऊपर जाएगा, तो 45.4.5 × 10^4 × 2 जाएगा, बटा में आपका 9 × 10^9, ये बटा में जाएगा, ठीक है। और एक बात, ये 2 ऊपर है तो ये 2 नीचे जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा ये केवल, 9 में से 4 कट जाएगा, बचेगा 5। अब 9 से इसको काटेंगे, दशमलव आगे लगा देंगे और 45 बच जाए, दशमलव इसको निकाल के यहाँ रख दिए, 45 बनेगा, मतलब दशमलव क्रॉस हो गया तो 45 बनेगा, तो 9 × 5 = 45, 5 आया, और 10^5 यहाँ पर 5 नीचे बचा है, ऊपर जाएगा तो -5 होगा, ऊपर जाएगा तो -5 होगा, और जब इसको दशमलव इधर जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक अंक पर ले जाएंगे, तो ये हमारा माइनस पावर क्या होती है, बढ़ती है, माइनस पावर क्या होती है, बढ़ती है, भी मैंने बढ़ाया था, तो ये हो जाएगा कि आपका लैम्डा का मान, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान, ठीक है। इस तरीके से रेखीय आवेश घनत्व का मान हमारा कितना आ गया, 5 × 10^-6। इस तरीके से बस ऐसे ऐसे लगाना, मतलब सोचिए कि हम अभी कहेंगे सर कैसे, देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम देख रहे हैं कि लैम्डा, लैम्डा हमारा ये सूत्र में मिल रहा था, सूत्र ये हैं, आपको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम आसानी से सारी चीज़ें आ जाए, ओके। तो अब जो सवाल है इसके बाद थोड़ा सा जो आती हैं, थोड़ा बड़ी सवाल है उसको भी लगा देंगे, और इसके पहले हम कुछ एक छोटी सवाल लगा देते हैं, तब उसको हम लगाएंगे।
इसके पहले हम सवाल लगाते रखिए अब इस घनत्व पर एकदम सेम सवाल, ऐसे ही सवाल है, अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन सामने आपके लगाते हैं, आपका एक अनंत लंबाई के समान रूप में अपेक्षित। देखिए एकदम सीधी सीधी बात, सेम ऐसे ही सवाल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी है। एक बार आप ट्राई करिएगा सवाल को, सवाल आप एक बार ट्राई करिए पहुँच करके, फिर उसके बाद देखिए कैसे लगाया जाता है। रेखीय आवेश घनत्व मतलब इसमें भी सीधे तार में रेखीय आवेश घनत्व 10^(-3) कूलम है और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ई इसमें ज्ञात करना, उसमें ई दिया गया था, इसमें ई ज्ञात करना है, ये चीज़ आपको। तो यहाँ पर हमारे जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम सवाल में हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते रहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व सबसे पहले लिख लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, और लैम्डा का मान 10^(-10^-3) ये हो गया। उसके बाद सवाल में और क्या चीज़ें मिल रही हैं, दूरी मिल रही है, दूरी मतलब आर आपको मिल सकती है, इसको दूरी लिख सकते हैं, पेपर में आप दूरी लिख सकते हैं। कितना मिल रहा है इसमें, इसमें मिल रहा है 2 सेंटीमीटर, कितना मिल रहा है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम बदलेंगे तो 2×10^2 आपका -2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर मीटर में देखा 10^-2 से आप गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाता है मीटर। तो अब है तार के आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ई बोलते हैं इसको। और सूत्र जो आपको इसको पहले लगाया था मुझे मतलब आपको पता ही है कि वो हो जाता है ई बराबर हो जाता है 1/4π ε₀, ठीक है, 4π ε₀ गुणा 2λ/r, ये भी होता है ना। ई का मान हमें पता नहीं, ई तो हमें निकालना है, इसका मान हमारा 9×10^9 और गुणा 2 का 2 होता है, लेमडा का मान हमारा दिया गया है 10×10^-3, अपान आर का मान हमारा दिया गया है 2×10^-2, ये वाला काटते हैं, 2 से 2 कट गया, बचा 10, 2 घात इसमें कट गया, बचा -1 घात, और यहाँ पर 9 बचा है और कुछ गिनती तो बची नहीं है, तो 9 ये 9 घात यहाँ प्लस में है और 1 घात यहाँ माइनस में है, तो 9 में से 1 करके बचा 8 घात, तो 9×10^8 बचा, 9×10^8 बचा, और 1 घात आपकी यहाँ पर ये भी बढ़ रही है, तो 8×9 घात, ध्यान दीजिएगा मैं वैसे कर दूँ, 1 घात यहाँ प्लस में है, 1 घात यहाँ माइनस, तो इससे आप कैंसिल कर दीजिए, बचा ही 9 घात, तो हमारा ये आ जाएगा इतना। न्यूटन और प्रति कूलाम लिखिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम लिखिएगा, ई को आप इसका ई का मात्रक लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको न्यूटन प्रति कूलाम लिखना है। तो ये था तीसरी सवाल इसमें के लिए, ठीक है। तो आपको हमने 3 सवाल दिया और 3 सवाल आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करिएगा, इसमें की सवाल आपको हम देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा बड़ा बने, क्योंकि वीडियो देखने में सबको बोरिंग लगता है। ओके, तो अगली किसी फिर वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, और बहुत सारी सवालें हैं तो लेके आऊँगा, तो इसमें 3, 4, 5 पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट, कम से कम 4 पार्ट बनेगा, 3, 4 पार्ट में आपको पूरे न्यूमेरिकल हल हो जाएगा इस पार्ट से, फिर अगले पार्ट का बताऊँगा इस तरीके से क्रम बाई क्रम, सब केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करूँगा, जो भी बच्चे के अंदर मन भर रहा होगा सब केमिस्ट्री का स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द से जल्द। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एकदम केमिस्ट्री का बेसिक क्लास आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले बेसिक सीख लीजिए केमिस्ट्री का, आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा। तो और स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश की बेसिक क्लास देखना चाहिए, इंग्लिश कैसे बनाया जाए, इंग्लिश को कैसे शब्द को जोड़ जोड़ कर बनाया जाए, वो क्लास भी आपको इंग्लिश की क्लास भी मिल जाएगी। ओके, देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ यार उसको सपोर्ट करिए, सेकंड चैनल को आप यार लो, जितने लोग देते हैं कोई सेकंड चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, देखते हैं यार कितना सपोर्ट करते हैं सब। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।